क्लास टेंथ पोलिनोमियल चैप्टर है और ये है कंसेप्ट लेक्चर टू इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें ये जानोगे कि अगर दो जीरोज हमको पता है एक अल्फ़ा और एक बीटा अगर कोई भी दो जीरोज पता है किसी क्वाड्रेटिक पोरिनियल का तो केवल दो जीरोज की हेल्प से हम उसके क्वाड्रेटिक पोरिनोमियल को पता कर सकते हैं कि आखिर वो जीरोज है किसका तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस सॉम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज करना है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोनल को पता कर सकते हैं अगर उसके जीरोज मुझे पहले से पता है तो इस पर एक क्वेश्चन लेकर करते हैं क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉइंट हो जा आर वन एंड माइनस थ्री जीरोज वन और माइनस थ्री दिया है यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि अल्फ़ा जो है वो वन है और बीटा जो है वो माइनस थ्री है अब मुझे अल्फा प्लस बीटा पता करना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा वन प्लस माइनस थ्री ये हो गया माइनस टू अल्फा बीटा पता करूँगा अल्फा बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो वन इंटू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री तो देखो मुझे सम ऑफ जीरोज पता चल गया मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता चल गया अब मुझे क्या पता करना है तो क्वाड्रेटिक पोनोमियल तो क्या बताया गया था कि अगर अल्फा और बीटा यानी जीरोज पता है तो क्वारेटिक पोनोमल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा तो इस पर बैठा दूंगा क्वारेटिक पोनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया माइनस टू इंटू एक्स और ये हो गया प्लस ये माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस थ्री ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया तो इस तरीके से क्या पता चला कि अगर मुझे जीरोज पता है किसी पॉलीनोमियल का अगर दो जीरोज पता है तो वो क्वाड्रेटिक पोर्नोमेल होगा और उससे हम आसानी से क्वाड्रेटिक पोर पता कर सकते हैं एक अगला क्वेश्चन लेते हैं उसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखो बोला गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोर्नोमेल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर माइनस फाइव एंड सिक्स सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है माइनस फाइव और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है सिक्स तो यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो क्या है माइनस फाइव है अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है सिक्स है तो ये तो और भी आसान हो गया ना मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है plus plus तो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस फाइव यहाँ पर एक्स छूट गया सॉरी तो ये हो गया माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस सिक्स तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बिल्कुल बिल्कुल ईजी था अगला क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो दिया गया इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज फोर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है कितना फ़ोर दिया हुआ है किसका ये है पोलिनोमियल इसका प्रोडक्ट कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फोर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कॉन्स्टेंट टर्म बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ ऑलरेडी क्या फोर और कॉन्स्टेंट टर्म इसमें कौन सा है माइनस सिक्स बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए तो क्या करेंगे ए को यहां भेजते हैं तो ये हो गया फोर एजक्वल टू माइनस सिक्स फोर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में तो माइनस सिक्स बाई फोर तो क्या हो गया माइनस थ्री बाई टू ये हो गया ए का वैल्यू सिंपल ये क्वेश्चन एक बार करो क्या दिया गया इफ वन जीरो ऑफ द पोरिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर एक जीरो जो है वो दूसरे जीरोज का रेसिप्रोकल है तो मैं एक जीरोज को अल्फा मान लेता हूं लेट वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल बी अल्फा अगर ये अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका रेशी प्रोकेला यानी कि वन बाई अल्फा देन अदर जीरो बी वन बाई अल्फा अब देखो अगर मैं सम करूंगा तो अल्फा प्लस वन बाई अल्फा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है लेकिन अगर प्रोडक्ट कर दूँ दोनों का अल्फा इंटू वन बाई अल्फा कैंसिल हो गया आउट होकर कितना जाएगा वन यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे पता है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कॉन्स्टेंट टर्म बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अल्फ़ा इंटू वन बाई अल्फ़ा और कॉन्स्टेंट टर्म कितना है सिक्स ए और कॉफिजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस नाइन अभी देखो अल्फ़ा इंटू वन बाई अल्फा कैंसिल आउट हो गया वन हो गया इज इक्वल टू सिक्स ए बाई ए स्क्वायर प्लस नाइन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू सिक्स ए एक साइड करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इज्कवल टू जीरो अब इसको क्या करोगे इसको फैक्ट्राइज करोगे क्वार फैक्ट्राइजेशन से ठीक है क्वाड्रेटिक फैक्टाइजेशन है ये तो इसको फैक्ट्राइज करते हैं कैसे करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बीच वाले को स्प्लिट करते हैं तो करते हैं तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए प्लस नाइन इजकल टू जीरो यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास नाइन में पढ़ा होगा ठीक है अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास नाइन में फैक्ट्राइसन का चैप्टर का चैप्टर है उसे जाकर एक बार कंप्लीट कर लो यहां पर मैंने क्या किया ए कॉमन लिया ए माइनस थ्री बचा इन दोनों से माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो ए माइनस थ्री बचा इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ ए माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ओके तो दोनों को बाय बाय से जीरो की इक्वल करोगे ये भी जीरो की इक्वल होगा और ये भी जीरो की इक्वल होगा तो यहां से भी ए का वैल्यू थ्री आएगा और यहां से भी ए का वैल्यू थ्री आएगा तो ए का वैल्यू क्या हो गया एंस ए इज इक्वल टू थ्री हमारा आंसर हो जाएगा जो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था ओके okay? तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो दिया गया इफ एक्स इजक्वल टू टू बाई थ्री एंड एक्स इजक्वल टू माइनस थ्री आर द रूट्स ऑफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वारेटिक इक्वेशन है और इसका ये रूट्स दिया गया है अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर ये यहाँ से यहाँ तक होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो लेकिन ये इसको इक्वेट कर दिया गया था ये इक्वेशन बन जाता है और ये ध्यान रखो रूट्स और जीरोज एक ही चीज़ होता है इक्वेशन में जब होता है तो उसको रूट्स बोलते हैं और ऐसे हम पोइनोमियल में उसको जीरोज बोलते हैं ठीक है और कुछ डिफरेंस नहीं है तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक पोइनोमियल की तरह ही इसे भी ट्रीट करेंगे उसी की तरह बनाएंगे दोनों में बस अंतर ये है कि क्वाड्रेटिक पोरिनोमियल जब भी लिखा जाता था तो वो इक्वेट किसी के नहीं किया जाता था जबकि जब इक्वेशन लेते थे तो इक्वेट कर देते हैं तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोनों जीरोज़ तो हमको पता है तो सम ऑफ़ जीरोज और कॉफिशियंट में मुझे रिलेशन पता होता है तो जब सम ऑफ जीरोज लोगे तो कॉफिशेंट यानी कि कॉफिशेंट माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बीच रिलेशन हो जाएगा और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे तो कॉन्स्टेंट बाय टर्म बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बीच रिलेशन आ जाएगा इसे आसानी से निकाल लोगे तो करते हैं इसको तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया टू बाई थ्री प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस कॉफिसेंट ऑफ एक्स कितना है सेवन बाई कॉफिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इसको सॉल्व करोगे ये आ गया माइनस सेवन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई ए तो माइनस सेवन से माइनस सेवन कैंसिल या फिर ऐसे भी कर सकते हो माइनस सेवन है क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस सेवन इन टू थ्री फिर यहाँ से माइनस सेवन को इधर डिवाइड में भेज दो तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा ए का वैल्यू आ गया थ्री ठीक है अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म बाई कॉफिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो देखो जीरोज टू बाई थ्री था दूसरा जीरोज माइनस थ्री था दोनों का प्रोडक्ट कर लिए कॉन्स्टेंट टर्म बाई कॉफिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या था बी था और कॉफिसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए था तो ये हो गया टू बाई थ्री इंटू माइनस इज्कवल टू बी बाई ए अब ए का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना थ्री तो इसको भी रख देंगे ये पहले थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो ये माइनस टू हो गया इजकल टू बी बाई ए का वैल्यू थ्री है थ्री पुट कर दिए तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ गया माइनस सिक्स तो इस तरीके से ए और बी दोनों का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये काफ़ी ईजी मेथड था आगे हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप क्लास नाइन का फैक्टर थ्योरम थोड़ा तो सा रिवाइज कर लो तो देखो फैक्टर थ्योरम अगर पी एक्स कोई पोइनोमियल है और अगर मैं अल्फ़ा एक्स के जगह पर रखता हूँ और उस अल्फा रखने पर उस पोइनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो अगर वेरिएबल में से उस अल्फा को माइनस करूँगा यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा तो जो होगा वो फैक्टर बन जाएगा पी एक्स का उस पोइनोमियल का वो फैक्टर हो जाएगा ऑन एक्स माइनस अल्फा अगर अल्फा रखने पर तो पोइनोमेल का वैल्यू जीरो होता है तो एक्स माइनस अल्फा उसका फैक्टर हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई पोइनोमेल है पी एक्स और एक्स का वैल्यू मैंने फ़ाइव ले जाकर रखा फाइव ले जाकर रखा और फाइव पे वो जीरो हो गया फाइव पे वो जाकर ज़ीरो हो गया तो वेरिएबल एक्स वेरिएबल में था तो एक्स में से अगर मैं फ़ाइव को माइनस करूँगा तो ये जो होगा एक्स माइनस फाइव ये फैक्टर होगा ईजे फैक्टर किसका तो उस पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर होगा अगर मान लो कोई पोलिनु, कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स और मैं एक्स के जगह पे माइनस वन रखता हूं और माइनस वन रखने पे वो पोलिनोमिल जीरो के इक्वल हो जाता है तो फैक्टर कौन होगा तो मुझे वेरिएबल में से माइनस करना है माइनस एक्स माइनस किसको यहां पर जो वैल्यू रखूंगा उसको तो एक्स माइनस माइनस वन ये क्या आएगा ये आ जाएगा एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ये इसका फैक्टर हो जाएगा फैक्टर ऑफ पी एक्स सॉरी एफ एक एक्स है ठीक सेम इसी तरीके से अगर x माइनस अल्फा अगर ये फैक्टर दिया गया है x माइनस अल्फा अगर फैक्टर दिया है तो उस पी एक्स में अगर रखें तो p अल्फ़ा होगा जीरो अगर पी एक्स का फैक्टर है x माइनस अल्फ़ा तो p अल्फ़ा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानी कि अल्फ़ा अगर रखा जाए तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा जाहिर सी बात है ये आपने क्लास नाइन्थ में ही पढ़ा था इसको इसलिए रिवाइज़ कराया क्योंकि अभी आने वाला जो क्वेश्चन है वो इसी पर है तो अगला क्वेश्चन करते हैं देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को बोला गया इफ़ एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ़ द पोइनोमियल इस पोइनोमियल का ये क्या है फैक्टर है तभी बताया था कि अगर ये फैक्टर है यानी कि इसको जीरो को इक्वल करूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस है माइनस है अगर एक्स के जगह पर रखूंगा तो इस पोइनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बिल्कुल जीरो के इक्वल तो पी एक्स जो इसको मान लेता हूँ क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन ये फैक्टर था इसलिए यहाँ पर क्या रखूँगा माइनस ए रखूँगा तो टू इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस फाइव इंटू माइनस ए प्लस टेन और ये फैक्टर था इसलिए इसका वैल्यू रखा गया तो ये जीरो की कॉल होना चाहिए तो इसको सॉल्व करोगे माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर तो ये हो गया टू ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर ये क्या हो गया माइनस फाइव है प्लस टेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा जीरो इज इक्वल टू माइनस फाइव ए प्लस टेन इस माइनस फाइव ए को इस साइड भेज देंगे तो फाइव ए इज इक्वल टू टेन हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया टेन बाई फाइव यानी कि टू तो ए का वैल्यू क्या आ गया टू आ गया अगला क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं बोला गया इफ़ माइनस टू इज ए जीरोज ऑफ द पोइनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के के का वैल्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्या दिया है माइनस टू इज ए जीरोज अगर माइनस टू इसका जीरोज है इसका मतलब एक्स की जगह माइनस टू रखूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल तो ये पोइनोमियल है मेरा पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू के और अगर मैं यहाँ पे माइनस टू रखूँ तो ये हो जाएगा माइनस टू स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस टू के और ये तो वैल्यू रखने ये तो जीरो था यानी कि इस पर जीरो हो के इक्वल होगा तो ये माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर थ्री जै ट्वेल्व माइनस एट प्लस टू के ट्वेल्व माइनस एट फोर प्लस टू के टू के अगर उस साइड भेज देता हूँ तो ये माइनस टू के इज इक्वल टू फोर तो के का वैल्यू क्या हो गया फोर बाई माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस टू तो ये हो जा रहा है मेरा के का वैल्यू तो इसी के साथ आपका कंसेप्ट लेक्चर टू भी ख़त्म होता है मिलते हैं अगले कंसेप्ट लेक्चर में तब तक आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इससे रिलेटेड आप उसको सॉल्व करो एक चीज़ याद रखो मैं यहाँ पर कितना भी आपको पढ़ा दो कितना भी सिखा दूँ जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पर मैं आपके बुक्स के सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करा सकता ठीक तो आपको खुद से ये सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे